नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हाल के दिनों में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी भाभी सीता सोरेन के बीच तकरार की खबरें आती रही हैं। दोनों को एक साथ एक मंच पर बहुत कम ही देखा जाता है, लेकिन शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ सभी मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। सबसे खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी भाभी और विधायक सीता सोरेन को भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में पेड़ लगाते देखा गया। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने घर में पेड़ लगाएंगे तो उन्हें प्रति वृक्ष 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। याद रखें, गेंदा गुलाब लगाने पर लाभ नहीं मिलेगा, फलदार पौधा ही लगाना होगा, उसे संरक्षित भी करना होगा। हेमंत सोरेन ने पुंदाग में शुक्रवार को आयोजित 73वें वन महोत्सव को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के पहले ही विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की गई टिप्पणी पर जमकर हंगामा मचाया। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाए। हाथों में तख्तियां लिए हुए बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने की डिमांड की। सदन के बाहर बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण, पार्टी विधायक अनंत ओझा और पार्टी की महिला विधायकों ने भी प्रदर्शन किया। बता दें कि आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सेशन शुरू हुआ है जो 5 अगस्त तक चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।